हेलो गाइज, वेलकम टू अनदर वीडियो। आप देख रहे हैं मिस्टर एवरीथिंग एक्सपेरिमेंट। दोस्तों, आज मेरे पास यहाँ पर मौजूद है फ्लाइंट। भाई फ्लाइंट क्या होता है? इसमें बहुत सारी धातें शामिल होती हैं। मैग्नीशियम भी होती है, न्यूडेमियम भी होती है, इसके अलावा आयरन भी इसके अंदर शामिल होता है। जब जाके इसको बनाया जाता है। दोस्तों, पुरानी किस्म के जो लाइटर होते थे उसके अंदर इग्नाइट सिस्टम इसी की वजह से मौजूद होता था। आजकल के इस लाइटर के अंदर अगर हम यहाँ से प्रेस करते हैं इसको, तो फिर ये इलेक्ट्रिकली इग्नाइट होता है। तो दोस्तों, पुराने जो लाइटर थे उसके अंदर एक गरारी लगी होती थी जिसको हम इस तरह से घुमाते थे तो वो इसके साथ रगड़ खाती थी और चिंगारी पैदा होती थी। तो दोस्तों, इस फ्लाइंट को हम रगड़ेंगे इसके ऊपर। ये मेरे पास एक सैंड पेपर है यानी कि एमरी पेपर है। तो दोस्तों, इस रेगमाल के ऊपर मैं इसको रगड़ूंगा और फिर देखते हैं कि इसकी चिंगारियां किस तरह निकलती हैं। इसके अलावा मैं एक एक्सपेरिमेंट इसके साथ ये करूंगा। मेरे पास यहाँ पर मौजूद है ये पावर सप्लाई। भाई ये पावर सप्लाई 24 वोल्ट और 2.5 एम्पेयर की है। इसके अंदर से फ्लाइंट के अंदर से इसमें से करंट गुजारेंगे और फिर देखेंगे कि इसके अंदर किस तरह से चिंगारियां निकलती हैं। और दोस्तों, मैं तीसरा एक्सपेरिमेंट और करूंगा। इस फ्लाइंट को लूंगा और इस लाइटर की मदद से इसको जलाऊंगा और इतना जलाऊंगा कि ये रेड हो जाएगा। रेड जब हो जाएगा तो मैं इसको ऊपर से नीचे फेंक दूंगा। जब ऊपर से नीचे फेंकूंगा तो दोस्तों, जब ये किसी चीज से टकराएगा तो जब भी चिंगारियां पैदा करेगा। वैसे ये फेंकने पर नहीं जलता, मगर जब ये गर्म हो रहा होगा तो यकीनन इसको जलना चाहिए। तो कुछ इस तरह के ही मजेदार 3 एक्सपेरिमेंट होंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज यार सब्सक्राइब करें। अगर आप पुराने हैं तो भाई दिल से थैंक यू। चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और फिर देखते हैं कि क्या होता है। प्लीज सब्सक्राइब मिस्टर एवरीथिंग एक्सपेरिमेंट्स। तो गाइज मैं आ गया अपने पहले एक्सपेरिमेंट की तरफ। भाई ये रहा मेरे पास सैंड पेपर यानी एमरी पेपर और ये रहे मेरे पास फ्लाइंट। तो दोस्तों, इस फ्लाइंट को इस पे रगड़ते हैं और फिर देखते हैं कि किस तरह से चिंगारियां निकलती हैं। तो दोस्तों, ये देखिए ये फ्लाइंट है मेरे पास। अब इसको इस रेगमाल पे रगड़ लेते हैं। हम तो पैदाइशी साइंसदान हैं, आप ये घर पर ट्राई करने की कोशिश मत करिएगा। तो गाइज ये देखिए किस तरह से इसमें से चिंगारियां निकल रही हैं। तो गाइज अब नेक्स्ट प्रैक्टिकल में इसके साथ ये करूंगा। इसके अंदर से डीसी पावर सप्लाई का वोल्टेज गुजारूंगा यानी कि 24 वोल्ट 2.5 एम्पेयर की पावर सप्लाई से इसमें करंट दूंगा और फिर देखते हैं कि क्या होता है। तो गाइज मैं आ गया हूँ अपने नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट की तरफ। भाई ये रही मेरे पास पावर सप्लाई और इसके ये 2 वायर्स हैं। अब क्या करते हैं दोस्तों, फ्लाइंट के अंदर से हम करंट गुजारते हैं। अब किस तरह से गुजारेंगे? ये मेरे पास प्लास है, प्लास के अंदर मैं फ्लाइंट को एक ले लेता हूँ। तो दोस्तों, ये मैंने फ्लाइंट ले लिया। अब इसको इस तरह से इस प्लास में लगा देता हूँ। अब ये प्लास में लगने के बाद क्या होगा, अब ये वाला एक वायर भी इसके साथ में अटैच कर दूंगा। तो गाइस ये देखिए कुछ इस तरह। अब ये वायर भी इसके साथ अटैच है और ये फ्लाइंट भी है। तो दोस्तों, अब इस फ्लाइंट के ऊपर इस तार को लगाते हैं। तो गाइस ये देखिए, तो गाइस देखिए किस तरह से स्पार्क हो रहा है यानी चिंगारियाँ निकल रही हैं। वैसे तो हर मेटल के साथ निकलती हैं, मगर इसके साथ भी निकलती हैं। उसके साथ कुछ मखसूस तरीके से निकल रही हैं, ये आप देख सकते हैं। जिस तरह से वेल्डिंग होती है कुछ इस तरह का इफेक्ट हो रहा है। तो गाइस अब आते हैं हम तीसरे एक्सपेरिमेंट की तरफ। दोस्तों, अब मैं क्या करूंगा, इस फ्लाइंट को जलाऊंगा और जलाने के बाद इसको काफ़ी ऊंचाई से फेंक दूंगा और इस कदर जलाऊंगा कि ये रेड हो जाए। तो दोस्तों, अब तीसरा एक्सपेरिमेंट हम कर लेते हैं। तो गाइस मैं आ गया अपने एक्सपेरिमेंट की तरफ। भाई ये रहा मेरे पास फ्लाइंट और ये रहा मेरे पास लाइटर। तो दोस्तों, इसको मैं जलाता हूँ, उसके बाद इसको ज़ोर से मैं फेंकूंगा और फिर देखिएगा ये किस तरह से ये चिंगारियाँ करता है। फिर एक एक्सपेरिमेंट हम और करेंगे। लाइट बंद करने के बाद 2 फ्लाइंट और लेंगे, उसको एक साथ जलाएंगे और ऊपर से नीचे फेंक देंगे। आप सिर्फ इसका नज़ारा देखिए कि क्या होता है। Please subscribe Mr. Everything Experiments. तो गाइस देखा आपने, अब यही सीन मैं करता हूँ लाइट बंद करके। Please subscribe Mr. Everything Experiments। तो गाइस ये आप देख सकते हैं फिलामेंट जो है हमारी जल जला के कैसी हो गई, यानी इसका मेटल कैसा हो गया। ये आप देख सकते हैं ये सारा पिघल गया है। ये देखिए गाइस, ये इसका जितना भी मेटल था ये किस तरह से हो गया, ये देखिए। तो गाइस ये देखिए, ये इसका मेटल है फिलामेंट का, और ये ऐसा हो चुका है, ये आपके सामने है। तो गाइस देखिए फिलामेंट जलने के बाद किस तरह से वो पिघल जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, कुछ नया सीखने समझने और जानने को जरूर मिला होगा। कम से कम आपको ये तो पता चल गया होगा कि फिलामेंट किन चीज़ों से बनाया जाता है और दोस्तों इसके साथ क्या क्या किया जा सकता है। इस तरह की वीडियोज़ मैं आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। अगर आप चैनल पर नए तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब करें, अगर आप पुराने हैं तो भाई दिल से थैंक यू। मैं मिलूंगा नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।